दोस्तों बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जी हां, जो कि नीतीश कुमार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इस बार बिहार के ही राजद के एक विधायक ने ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद बिहार में फिर से सियासी भूचाल आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन अब एक दो महीनों का ही मेहमान है। दरअसल बिहार में राजद विधायक इजहार असफी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई दिनों से इस बात का दावा किया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सरकार की बागडोर मिलेगी, और ऐसा राजद के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया था। इसके अलावा राजद के कई बड़े नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि नीतीश और तेजस्वी लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर खाने कुछ जरूर चल रहा है जिसकी वजह से ऐसी खबरें बार बार सामने आ रही है। आपको बता दूं कि दोस्तों राजद विधायक इजहार असफी ने किशनगंज में कहा कि बिहार के लोग इसे चाहते हैं कि तेजस्वी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि राज्य के अधिकांश नेता भी इसके लिए तैयार है और कुछ औपचारिकताएं बाकी है जिन्हें पूरा करना जरूरी है, शायद इसमें एक या दो महीने लगेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। जय हिंद।